Hello students, welcome to MNC Education. Today we are going to do chapter 5, complex numbers and quadratic equations. In this we are going to do argand plane and polar representation. Argand plane, to understand the argand plane, basically argand plane ko samajhne ke liye what we do, वी में कोऑर्डिनेट एक्सेस, एक्चुअली कोऑर्डिनेट एक्सेस से ही आर्गन प्लेन बना है. वो कैसे कि जैसे अगर आप मान रखिए कि हमारे पास जो एक्स प्लस आयोटा वाई, मतलब जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई है, तो ये जो है ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है कॉम्प्लेक्स नंबर का. तो उसमें जो रियल एक्सेस है उसको अगर हम एक्स एक्सिस पर रिप्रेजेंट कर दें और जो इमेजिनरी एक्सिस है उनको हम अगर वाई एक्सिस पे रिप्रेजेंट कर दें, तो हमारे पास जो प्लेन बन रहा है वो आर्गन प्लेन कहलाता है. ठीक है, तो ये हमारा आर्गन प्लेन हो गया. अब आर्गन प्लेन से हम जो है आर्गन प्लेन से बेसिकली हम क्या करते हैं, आर्गन प्लेन से हम कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, जैसे यहां पर मान रखिए हमारे पास ये जैसे जो भी कोऑर्डिनेट सिस्टम है वैसा ही होता है. यहाँ पर जैसे 1, 2, 3 या जो भी यूनिट होगा उस हिसाब से हम कई बार 5 भी मान लेते हैं, यहाँ पर भी 1, 2, 3, 4. तो हमारे पास यहाँ पर जैसे मान रखिए कि हमने एक पॉइंट यहाँ पर लिया जो कि कोऑर्डिनेट प्लेन पे 1, 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो ये बेसिकली जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर वाइज है वो 1 + 2 आयोटा को रिप्रेजेंट कर रहा है. ठीक है, इतना समझ में आ गया. तो यही हमारे पास आर्गन प्लेन है और ओरिजिन प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल देयर. ओरिजिन जो है हमेशा उसमें इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा. क्यों? क्योंकि जब हम ओरिजिन से इसको ज्वाइन कराएंगे तो ये जो मैग्नीट्यूड है वही मैग्नीट्यूड ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर आता है. ठीक है, आप इसको वेरीफाई करने के लिए यहाँ पर परपेंडिकुलर डाल सकते हैं. जैसे ही आप परपेंडिकुलर डालेंगे, ये देखिए परपेंडिकुलर डालेंगे, तो ये जो है 1 यूनिट का है, ये जो है 2 यूनिट का है. तो हमारा 1 स्क्वायर, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर कितना हो जाएगा, 5 हो गया. और रूट अंडर लेंगे तो हमें इसकी लेंथ आ जाएगी क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से. तो ये √5 ही देखिए इसका मैग्नीट्यूड आ रहा है. समझ रहे हैं बात को आप? तो यहाँ पर जो है आर्गन प्लेन का यही मकसद है कि हम जो है कॉम्प्लेक्स नंबर्स को इस पर किसी प्लेन पर रिप्रेजेंट कर सके. तो इसमें हमें करना क्या होता है, जो रियल एक्सिस है उसको एक्स एक्सिस पर और जो इमेजिनरी एक्सिस है उसको हम वाई एक्सिस पर रिप्रेजेंट करा देते हैं. ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, आप बताएं अगर दिक्कत है तो. यहाँ पर जो है अब जैसे मान रखिए कि हम एक पॉइंट लेते हैं और उससे ये बढ़ा करके यहाँ पर आ गए, तो ये कौन सा पॉइंट रिप्रेजेंट करेगा, तो ये जो है कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंट करेगा उसी पर डिपेंड करेगा. ये जो है पॉइंट है 1, 2, 3, 4, 5 है, तो यहाँ पर ये पॉइंट कौन सा रिप्रेजेंट कर रहा है, 5 and -2 कर रहा है. तो कॉम्प्लेक्स नंबर वाइज ये जो है ये 5 - 2 आयोटा के बराबर है. ठीक है, तो इस तरह से अगर आप देखिए तो हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसके रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट के बेसिस पर आप डिसाइड कर सकते हैं कि वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा अगर हम उनको आर्गन प्लेन पर रिप्रेजेंट करा रहे हैं. ठीक है, इतनी सी बात समझ में आ गई होगी. अब हमारे पास किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए पोलर फॉर्म में 2 चीजों की जरूरत होती है. पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए हमें जो है उसका ओरिजिन से कितना डिस्टेंस है वो लिखना होता है और वो जो है एंगल कितना बना रहा है विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस. ठीक है, तो यहां पर ना 2 तरह से हम एंगल मेजर करते हैं. जब हमारे पास ये फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में होता है तो हम एंगल को इधर से मेजर करते हैं. ठीक है, मतलब यहां से मेजर करेंगे यहां तक. ठीक, जबकि जब ये थर्ड या फोर्थ क्वाड्रेंट का होगा तो हमें यहां से एंगल मेजर करना होता है. समझ में आ गई बात? ये इधर से और आधा इधर से. ठीक है, तो इसीलिए हमें पहले ये डिसाइड करना होता है कि वो एंगल जैसे कितना बना रहा है. तो उसके लिए हमें पता करना पड़ेगा कि वो जो उनको हम कहते हैं आर्ग्यूमेंट, तो आर्ग्यूमेंट कितना है वो पता करना पड़ेगा.
तो उसके लिए देखते हैं हमारा क्या प्रोसेस है। पहली बात कि अगर हम पोलर फॉर्म में किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो पोलर रिप्रेजेंटेशन के लिए सबसे पहली बात यह है कि पोलर रिप्रेजेंटेशन होता क्या है। तो ये जो है हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं जेड इज इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा से, ठीक है। अब अगर आप देखें तो इसको ओपन करते हैं तो आर कॉस थीटा प्लस आयोटा आर साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। और ये जो थीटा है यही आर्ग्यूमेंट है, यही एंगल है, इसी के लिए मैंने बताया कि फर्स्ट और सेकेंड क्वाड्रेंट में जब होता है तो मतलब हमें जीरो से पाए और इधर जो है जीरो से माइनस पाए तक लेना होता है। तो एक तरह से हमारे पास जो थीटा है उसकी वैल्यू हमारे पास कहां से कहां तक ले सकते हैं, माइनस पाए से लेके पाए तक लेते हैं, ठीक है, समझ में आ गई बात। अपर हाफ और लोअर हाफ इस तरह से हम लेते हैं और वो भी क्वाड्रेंट सिस्टम के हिसाब से लेते हैं, ठीक है। तो यहां पर जो है मैग्नीट्यूड आर हो गया, आर की वैल्यू जो है वो मॉड जेड के बराबर हो जाएगा और जो थीटा है वो हमारा टेन इनवर्स ऑफ मॉड ऑफ वाई बाय एक्स के बराबर हो जाएगा। आप यहां से देख सकते हैं जब आप इसको और इनको मतलब इन दोनों को आपस में जब कंपेयर कराएंगे तो हमें क्या मिल रहा है, आर कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्स, आर साइन थीटा इज इक्वल टू वाई, ठीक है। जब आप इन दोनों को डिवाइड कराएंगे तो आपको क्या मिलेगा, टेन थीटा मिलेगा। देखिए आर आर कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा बाय कॉस थीटा टेन थीटा हो जाएगा, यहां क्या आ जाएगा वाई, यहां एक्स आ जाएगा, ठीक है। तो हम मैग्नीट्यूड इसलिए ले लेते हैं कि हम पहले फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल डिसाइड कर लेंगे और उसके बाद फिर वो किस क्वाड्रेंट में होगा उसके हिसाब से हम उसके एंगल को एडजस्ट करके आर्ग्यूमेंट लिख लेंगे। उसके लिए हम अभी फॉर्मूला यहां पर लिस्ट करेंगे कि जब फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो हमें कौन सा लेना है। बेसिक बात यह है कि टेन थीटा इज इक्वल टू वाई बाय एक्स कैसे आया और हमें उसका मॉड लेना है, ये भी आपको पता चल गया, ठीक है। तो यहां से ही थीटा हमें निकालना है। तो अब जो है हम पहले ये देख लेते हैं कि अगर क्वाड्रेंट वाइज, ठीक है, तो ये देखना है कि कौन से क्वाड्रेंट में है और थीटा की जो भी वैल्यू आएगी मतलब आर्ग्यूमेंट हम उसके हिसाब से एडजस्ट करके लिखेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो है जो भी आए इसकी वैल्यू वही हमें ले लेना है, तो एज इट इज, ठीक है। जबकि सेकेंड क्वाड्रेंट का अगर हमारे पास है तो हमें क्या लेना है, लेना है पाई माइनस थीटा करके। जब थर्ड क्वाड्रेंट की बात आएगी तो हमें थीटा माइनस पाई करना है, यही चीज ध्यान देने की बात है। थर्ड क्वाड्रेंट में जब आर्ग्यूमेंट हमें निकालना है थीटा माइनस पाई, और थीटा कैसे आएगा, थीटा इस वाले रिप्रेजेंटेशन से, इस वाले एक्सप्रेशन से आएगा, टेन थीटा इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ वाई बाय एक्स करके आएगा, ठीक है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में हमें सिंपली माइनस थीटा ले लेना है। तो ये जो चीज है ये आर्ग्यूमेंट निकालने के लिए हमें जरूरी है। तो ये आर्ग्यूमेंट निकालने के लिए आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि आर्ग्यूमेंट और जो मैग्नीट्यूड है उन दोनों को मिला करके आपको पोलर फॉर्म बनता है, ठीक है। तो इस तरह से आर्ग्यूमेंट निकालना आ गया आपको कि आर्ग्यूमेंट जब हमारे पास कौन से क्वाड्रेंट में है तो क्या लेना है ये पता चल गया, थीटा कहां से आएगा ये भी पता चल गया। अब जो है यहां पर एक बारी और एक चीज देख लेते हैं कि ये मॉड जेड कैसे हुआ। तो यहां पर अगर हम इनको स्क्वायरिंग एंड एडिंग करा देंगे तो क्या आएगा, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आएगा, ठीक है बात। अब जो है आर स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो यहां पर क्या आएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो आर इज इक्वल टू क्या आ गया, रूट अंडर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरह से देखिए ये मॉड जेड जो है बेसिकली आर के बराबर हो गया ना, क्योंकि ये मॉड जेड के बराबर है, आप देख सकते हैं। तो इस तरह से अब जो है हमें जब थीटा मिल जाए, जब हमें आर मिल जाए, उनको हम अगर इस जेड इज इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा में लगा देंगे तो वो हमारा पोलर रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा, ठीक है। तो यही है पोलर रिप्रेजेंटेशन,
और आर्गेंट प्लेन क्या है? तो आर्गेंट प्लेन जो है जस्ट कोऑर्डिनेट प्लेन जैसा होता है और उस पर हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के को रिप्रेजेंट करा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमने दोनों चीजें कवर कर ली, आर्गेंट प्लेन भी कवर कर लिया एंड पोलर रिप्रेजेंटेशन भी कवर कर लिया। अब हम एक एग्जाम्पल से जो कि कार्टिजियन फॉर्म में दिया हुआ होगा और उसको हम जो है पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करके देखेंगे, तो इससे हमारा क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअली ये कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, अगर उनको पोलर फॉर्म में लिखने के लिए हमें कहा जाता है तो हमें कौन कौन से प्रोसीजर फॉलो करने पड़ेंगे। एज एन एग्जाम्पल लेट अस टेक द क्वेश्चन, रिप्रेजेंट द कॉम्प्लेक्स नंबर जेड इज इक्वल टू 1 iota √3 इन द पोलर फॉर्म। हमें जेड इज इक्वल टू 1 iota √3 को पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? तो यहां पर गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर इज जेड इज इक्वल टू 1 iota √3। ठीक है, अब जो है इसको हमें कंपेयर कराना है, तो लेट जेड इज इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आयोटा आर साइन थीटा बी इट्स पोलर फॉर्म। ठीक है, तो देयर फोर आर कॉस थीटा इज इक्वल टू 1, इसको इक्वेशन 1 सपोज कर लीजिए, आर साइन थीटा इज इक्वल टू √3, इसको इक्वेशन 2 सपोज कर लीजिए। अब जो है स्क्वायरिंग एंड एडिंग करा दीजिए, स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशंस 1 and 2 वी गेट, तो व्हाट वी गेट, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 1 square प्लस √3 square। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहां पर। अब जो है ये आ जाएगा आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 plus 3 यानी कि 4। ठीक है, इस हिसाब से आर स्क्वायर इज इक्वल टू 4 हो गया, तो ये आ गया आर इज इक्वल टू 2। अब यहां पर हम ना पॉजिटिव स्क्वायर रूट ही लेते हैं, ऐसा इसलिए क्योंकि हमें जो है मैग्नीट्यूड लेना होता है, तो हम मैग्नीट्यूड तो नेगेटिव लेंगे नहीं। अब जो है डिवाइड करा दीजिए, डिवाइडिंग 2 by 1 वी ऑब्टेन। तो 2 by 1 अगर कराएंगे तो आर साइन थीटा बाय आर कॉस थीटा इज इक्वल टू √3 by 1, आर आर कैंसल, टेन थीटा इज इक्वल टू √3, थीटा इज इक्वल टू 5 by 3, क्योंकि 60 degree पे टेन जो है √3 होता है, तो थीटा 5 by 3 हो गया। अब जो है ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो सिंस जेड लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, कैसे पता चला, क्योंकि यहां पर जो रियल पार्ट है वो भी पॉजिटिव है और इमेजिनरी पार्ट भी पॉजिटिव है, 1 plus iota √3 है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट। देयरफॉर जो आर्ग्यूमेंट है मतलब थीटा को हम 5 by 3 ही रहने देंगे। ठीक है, हमें मॉडिफाई करने की जरूरत नहीं होगी, इज इक्वल टू आर्ग्यूमेंट। सो रिक्वायर्ड पोलर फॉर्म इज जेड इज इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा है, आर है 2 कॉस थीटा मतलब कॉस 5 by 3 प्लस आयोटा साइन 5 by 3, और पोलर फॉर्म को हम इसी नोटेशन में लिखते हैं। तो इस तरह से
ये हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया, जिसमें कि हमने एक कॉम्प्लेक्स नंबर जो कि कार्टेशियन फॉर्म में दिया हुआ था उसको हमने पोलर फॉर्म में कन्वर्ट किया। और अगर हमें उल्टा मतलब पोलर फॉर्म में देके कार्टेशियन फॉर्म में कहते हैं तो जस्ट राइट द वैल्यूज ऑफ कॉस थीटा एंड साइन थीटा एंड सिंप्लीफाई इट, यू विल गेट द करस्पॉन्डिंग कार्टेशियन फॉर्म फॉर द कॉम्प्लेक्स नंबर। दैट्स इट फॉर द डे। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल सी हाउ टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। आई होप यू हैव एंजॉयड टूडेज सेशन। थैंक यू सो मच फॉर बींग विद अस। थैंक्स अ लॉट एंड एंजॉय योर सेल्फ।